जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हंसास इजी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। नॉर्मल कढ़ी पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आज हम बनाएंगे चिली पकौड़ा कढ़ी। इसके लिए हमें चाहिए 2 स्पून, लगभग 1/4 का आधा बेसन। इसके लिए हमने यहाँ बटर मिल्क लिया है, ये लगभग 1 से 1.5 गिलास के लिए करीब लिया है मैंने, ज़्यादा खट्टा नहीं था। अगर ये ज़्यादा खट्टा हो तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं। अब हम बेसन में इस तरह से छाछ या पानी में इसे धीरे धीरे मिलाकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका लम्स फ्री बैटर बना लेंगे। इसे कढ़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस छाछ में इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर, पिंच ऑफ हींग, थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं तो छोड़ सकते हैं। अब ये सब मिक्स करके आप टेस्ट कर लीजिएगा एक बार छाछ को, कि अगर ये ज़्यादा खट्टी है तो इसमें आप और पानी डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमने आधा चम्मच हल्दी डाल दी है। अब इसके लिए हमें ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसमें हमें 3 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, लगभग 1/4 कप कटा हुआ धनिया और 1 ही चदर का टुकड़ा लिया है, इसे हम पीस लेंगे। अब यहाँ पर हमने कड़ी गैस पर रख दी है, उसमें हम इस तरह से ग्रीन चटनी मिला देंगे और कंटिन्यूसली कड़ी को चलाते रहेंगे ताकि वो फटे ना। हमें कड़ी को चलाते रहना है, नहीं तो फट जाएगी। जब ये बॉईल होने लग जाएगी तब आप इसे छोड़ सकते हैं, तब हमें इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कड़ी हमारी बॉईल होने लग गई है, हम इसे बॉईल होने देते हैं 5 मिनट और, तब तक हम अपनी भजिया की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप बेसन लिया है, 1 छोटी चम्मच चावल का आटा है, आधी छोटी चम्मच से भी कम लाल मिर्च है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच सूखा धनिया, आधी छोटी चम्मच अजवाइन है और नमक स्वाद अनुसार है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सूखा, फिर हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसका हमें लम्स फ्री बैटर बनाना है, बैटर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से इसका हम बैटर बना लेते हैं। यहाँ पर लाल मिर्च ऑप्शनल है, क्योंकि हमने हरी मिर्ची की भजी बना रहे हैं यहाँ, तो उसमें थोड़ा तीखा वो है, अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसके बीज निकाल दीजिएगा। हमें इसे इस तरह से साफ़ कर लिया है मिर्ची को, इसलिए तब तक हम कड़ी भी चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से बॉईल हो रही है, इसे हम थोड़ा और बॉईल होने देते हैं। कड़ी जितनी ज़्यादा बॉईल होगी उसका उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए भजी की तैयारी करते हैं। इसलिए हम मिर्ची को इस तरह से चीरा लगा कर काट लेंगे, अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप इसके बीज निकाल सकते हैं, और आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसके बीज मत निकालिए। इस तरह से हम इसके सीड्स निकाल देते हैं और इसे इस तरह से तिरछा कट लगाते हैं इसमें, तो इस तरह से हमें अपनी सारी मिर्ची काट लेनी है। देखिए इस शेप में, अब हमें इसमें हमारा मिक्सचर भी रेडी है, इसमें हम पिंच ऑफ कुकिंग सोडा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम मिर्ची डाल देंगे और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि इस पे बेसन की कोटिंग अच्छे से लग जाए। इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है ताकि इसमें बेसन अच्छे से अंदर तक चला जाए और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। फिर अब हम एक चौड़ा पैन लेंगे, इसमें हमने 3 से 4 चम्मच छोटी चम्मच तेल डाला था, ये गरम हो गया है। अब इसमें हम अपनी मिर्ची भजी को इस तरह से एक एक पीस करके डाल देंगे। इस तरह से हमें सारी भजी डाल देनी है। बाकी बचे हुए को बाद में कुक करेंगे। इस तरह से हमें इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। जब ये क्रिस्पी होने लग जाए तो हमें इस तरह से इसे पलट देना है एक एक करके। ये बहुत ही कम तेल में बन जाते हैं।
और ज़्यादा ऑयल भी ऑब्जर्व नहीं करते। आप चाहते तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर इस तरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। भिन्हे दूसरी तरफ भी थोड़ी देर पकने देते हैं, तक हम कड़ी का छौंक लगा देते हैं। इसमें हमने आधी चम्मच राई ली, आधी चम्मच जीरा डाला है और आधी चम्मच सौंफ डाल दी है। अब यहाँ 10 से 12 करी पत्ते हैं और एक खड़ी हरी मिर्च ले ली है, सॉरी लाल मिर्च। इसे हम एक मिनट तक सौटे करेंगे, फिर इसमें आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हमारी कड़ी भी रेडी है, अब इसमें हम तड़का डाल देते हैं और इसे 5 मिनट के लिए और बॉईल करेंगे ताकि इसमें मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा। जब तक हमारी कड़ी बॉईल हो रही है, हम अपने भजिए चेक कर लेते हैं। हम इसे फिर से पलट देते हैं, देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो बस इसे हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है। ये भजिए रेडी हैं हमारे, इन्हें हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और कड़ी में आप चाहे तो इसे अभी ऐड कर सकते हैं या फिर सर्व करते टाइम ऐड करिए, तब ये बहुत टेस्टी लगेंगे। चलिए हम कड़ी सर्व कर लेते हैं। इसलिए हम इस तरह से भजिए रखेंगे और उसके ऊपर गरम गरम कड़ी डाल देते हैं। देखिए लग रही ना कितनी यमी देखने में, ये एक खाने में भी उतनी टेस्टी। इसे ज़रूर बनाइए और इसे आप घी चावल पूड़ी या फिर रोटी के साथ एंजॉय करिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।